brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. Three, two, one, now. Plus one, plus two, plus three. भारत हर दिन डिफेंस सेक्टर में धमाके कर रहा और भारत दुनिया भर के शक्तिशाली देशों से मिसाइल नहीं बल्कि मिसाइलों की टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को खरीद रहा ताकि भारत बिना वक्त गवाए उन तकनीक की मदद से मिसाइलों को बनाकर दुनिया को ये बता सके कि ये नया भारत है जो मिसाइलों को बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जमकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों की सफलता भारत के ब्रह्मोस 2 पर टिकी हुई है और शायद यही वजह है कि सवाल ये खड़ा होता है कि भारत को ब्रह्मोस 2 की सफलता के लिए इसकी तकनीक रूस से कब मिलेगी और क्या है ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। दरअसल ब्रह्मोस 2 मिसाइल ही वो मिसाइल है जो कि भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी क्योंकि भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की सूची में आना चाहता है और यही वजह है कि भारत ने फोकस कर रखा है ब्रह्मोस 2 मिसाइल की तकनीक के लिए और भारत सिर्फ इसी मिसाइल पर काम कर रहा, उसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट पर बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन खबर सामने ये भी आ रही कि इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग चुका है क्योंकि भारत को ब्रह्मोस 2 की तकनीक चाहिए और वो सिर्फ रूस के पास है। अब रूस यूक्रेन के साथ जंग में व्यस्त है और यही वजह है कि रूस भारत को तकनीक नहीं दे पा रहा। वैसे ब्रह्मोस 1 को भी भारत ने रूस के साथ ही मिलकर बनाया था और अब बिना देरी के ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी रूस के साथ मिलकर ही भारत बना रहा। लेकिन रूस के युद्ध में फंसने की वजह से भारत के ब्रह्मोस 2 मिसाइल के टेक्नोलॉजी विकास और परियोजना में देरी हो रही। अब दूसरी तरफ भारत हर दिन कोशिश कर रहा कि रूस अपनी जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक भारत को ट्रांसफर करे ताकि ब्रह्मोस 2 मिसाइल की टेक्नोलॉजी में समय बच जाए। हालांकि रूस की ओर से इसे देने में अभी परहेज किया जा रहा क्योंकि वहां पर अभी जंग का माहौल है। अब अगर रूस को भारत टेक्नोलॉजी दे देगा तो ब्रह्मोस 2 की क्या खासियत होगी ये भी जान लीजिए। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से पहले ही चीन और पाकिस्तान सदमे में रहते हैं और अब नए ब्रह्मोस सुपर पावर से दुश्मनों का क्या हाल होगा आप खुद इससे समझ सकते हैं, इसकी खासियत से समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ है इसकी खासियत। दरअसल मैक की रफ्तार का मतलब आवाज की गति से है। एक मैक की रफ्तार यानी 343.59 मीटर प्रति सेकंड है। 7 मैक का मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज होगी यानी कि ये 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी तय करेगी जो 1 घंटे में 7.5 मैक की रफ्तार से ये 9,261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेगी। वैसे ये तो थी खासियत, लेकिन अब देखना तो ये होगा कि रूस की वजह से भारत के ब्रह्मोस 2 मिसाइल प्रोग्राम पर जो ब्रेक लगा हुआ है उसे भारत कैसे खत्म करेगा और कैसे बनाएगा, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।